हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज लाइफ एंड पैशन। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ ये खूबसूरत सा मेकअप लुक जो अप्रोप्रिएट है आने वाले फेस्टिवल करवा चौथ के लिए। ये मेकअप लुक खास करके न्यूली मैरिड जो ब्राइड्स हैं उनके लिए है, क्योंकि ये काफी मैंने हैवी लुक क्रिएट किया हुआ है, सो उनके लिए ही ज्यादा ये अप्रोप्रिएट रहेगा। और वैसे अगर आप भी इस तरह से सजना धजना पसंद करते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए भी है। सो फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा मेकअप लुक अगर आप लोगों को पसंद आता है और आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ और साथ ही आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है। और प्लीज फ्रेंड्स, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो नए फ्रेंड्स देख रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए, बातें हो गई बहुत सारी, मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। यहाँ पे मैंने अपने फेस को क्लीन करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। देन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कलर बार का प्राइमर। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी अपने जो अंडर आई एरिया के डार्क सर्कल्स हैं और मेरे अराउंड द माउथ डार्क पैचेस हैं, अनइवन स्किन है, उसे हाइड करने के लिए एले प्रो गर्ल का कलर करेक्टर ऑरेंज मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। एंड देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी मिलानी का फाउंडेशन। इसे मैं अपने फिंगर के हेल्प से पूरे फेस पे अच्छे से डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूंगी। देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंडिंग मस्ट है, ब्लेंड करना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ ब्लेंडिंग करें। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए करवा चौथ की क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं, और खुद से मेहंदी लगाने वाले हैं या मेहंदी लगवाने जाएंगे पार्लर में? और जल्दी मैं एक सिंपल सा जो नॉर्मली जैसे कि सूट्स वगैरह में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं करवा चौथ मेकअप लुक भी दे दूंगी एक। ये मैंने थोड़ा सा हैवी साइड पे किया हुआ है, सो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं मिलानी का कंसीलर अप्लाई करूँगी अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट पे, और जैसे ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड को, चिन पे और आईज के इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे इसको अच्छे से हाईलाइट करने के लिए मैं इसे अप्लाई करूंगी। देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने अपने कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ पे शुगर का लूज पाउडर ले लिया है, और एक ब्रश की हेल्प से मैंने जहाँ जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया हुआ था वहाँ वहाँ पे इसे लगा के सेट कर लूंगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पे कॉन्टोर करने के लिए एले प्रो गर्ल का डार्क सेट है, इसे मुझे जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ वहाँ मैं इसे अप्लाई कर लूंगी, और देन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे शुगर फेस पैलेट का पैलेट ले लिया, उसमें से कॉन्टूर पाउडर सेट लेके मैं अपने क्रीम कॉन्टूर को ब्रश के हेल्प से अच्छे से सेट कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने इसी शुगर फेस पैलेट से ब्लश पिंक शेड लिया हुआ है, और इसे मैं एक ब्रश के हेल्प से अपने चिक्स पे अप्लाई करूंगी दोनों। नेक्स्ट मैंने निक्स का सेटिंग स्प्रे लिया है अपने मेकअप को सेट करने के लिए, और मैं इसे अपने फेस पे स्प्रे कर लूँगी जिससे लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है जो मेकअप होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक पाउडर ब्रश के हेल्प से अपने नेक को अच्छे से पाउडर से सेट कर लूँगी। नेक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं करूँगी अपने फेस को हाईलाइट,
तो हाईलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे बक्का कॉस्मेटिक्स का हाईलाइटर लिया है। इसे मैं अपने चिप बोन्स पे, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो चिन पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी ब्रश के हेल्प से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए ले लिया है लैक्मे का आईब्रो पेंसिल, और इससे अच्छे से अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी। देन एक उसके पीछे जो स्पूली दी हुई है उसकी हेल्प से अच्छे से क्रूम कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूरोप गर्ल का आई शेडो पैलेट ले लूंगी, उसमें से लाइट ब्राउन शेड लेके मैं अपने क्रीज के ऊपर ऊपर ट्रांजिशन कलर होगा ये मेरा, मैं इसे अप्लाई करके ब्लेंड कर लूंगी। देन मैं एक ब्राउन शेड लूंगी और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी। देन इसे ब्लेंड कर लूंगी। मैं इसी कलर को और ज़्यादा डार्क ले जाऊंगी, डार्क की तरफ, और मैं अपने आउटर वी पे फोकस करते हुए इसे अच्छे से अपने क्रीज तक ब्लेंड करूंगी। मैं सेम दोनों आईज पे ऐसा ही कर लूंगी। मैं ब्राउन शेड को ही लाइट मीडियम टू डार्क शेड तक लेके जाऊंगी और आउटर वी पे फोकस करते हुए अपनी क्रीज पे ले जाके अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं करूंगी कट क्रीज, तो कट क्रीज करने के लिए मैंने एक ब्रश ले लिया ऐसा फ्लैट, और मैं पहले अपने आईलिड पे से अप्लाई करूंगी और ऊपर देखते हुए देखूंगी कि मेरा जो क्रीज है लाइन वो कहाँ बन रहा है। देन मैं उसे अपनी क्रीज पे कंसीलर को अप्लाई कर लूंगी अच्छे से। और नेक्स्ट मैं डार्क ब्राउन शेड लूंगी फिर से और अपने आउटर वी पे फोकस करते हुए और जो क्रीज लाइन बनी हुई है उसको अच्छे से मर्ज कर लूंगी जिससे अलग अलग ना दिखे। सो नेक्स्ट मैंने आईसी आई शेडो पैलेट से एक लाइट क्रीम कलर का सिमरी आई शेडो लिया है और अपने इनर हाफ जो क्रीज मैंने बनाया हुआ है वहाँ पे एक ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर लूँगी। देन फिर डार्क ब्राउन शेड लेके मैं उसको अच्छे से मर्ज कर लूँगी ब्लेंड करके अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँगी ग्लिटर, तो इसमें मैंने बहुत लाइटली ग्लिटर अप्लाई किया हुआ है पूरी आईलिड पे, सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी आईलाइनर, तो आईलाइनर के लिए मैंने कलर बार का स्केच पेन आईलाइनर लिया हुआ है और इसे एज अ आईलाइनर अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं काजल ले लूंगी, तो काजल के लिए मैंने यूरोप गर्ल का जेल काजल लिया हुआ है और अपने लोअर और अपर वॉटर लाइन पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं लूंगी एक पेंसिल ब्रश और इसे डार्क ब्राउन शेड जो मैंने क्रीज पे अप्लाई किया हुआ है उसे अपने आई लैसेस के नीचे नीचे अप्लाई करूंगी। देन स्मच कर लूंगी अपने काजल के साथ ही। नेक्स्ट मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर और ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा, तो मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट का मस्कारा लिया हुआ है और इसे मैं अपने लोअर और अपर आईलेसेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे शुगर की लिप लाइनर, मैट लिप लाइनर अप्लाई किया है मैंने, और नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी शुगर की लिक्विड लिपस्टिक, रेड है और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसे एज अ लिपस्टिक अप्लाई कर लूंगी अपने लिप्स पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक हैवी नेकलेस सेट के साथ नथिया और बालों में चोटी करके आर्टिफिशियल फ्लावर एज अ गजरा लगा लिया है और अपनी फिंगर में एक बड़ी सी रिंग और हाथ में चूड़ा पहन के मेरा ये करवा चौथ मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप लोग इसे क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये मेकअप लुक कैसा लगा और मेरा आई मेकअप कैसा लगा आप लोगों को। सो मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। बाय फ्रेंड्स।